हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ग्रुप से रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में शॉर्टकट्स फाइंड आउट करेंगे भी कैसे हम लोग एग्जाम्स में जो गिवन है सेट उसे देख के जजमेंट लगा सकते हैं कुछ स्मॉल सी प्रॉपर्टी के थ्रू भी ये ग्रुप है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे हम फुल प्रूफ करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हमारे लिए ये नेसेसिटी हो जाता है कि हम कोई शॉर्टकट सा देख लें जिससे हम देख के जजमेंट लगा ले भी ये ग्रुप है या नहीं है। यस नो में बड़ी इजी लग जाता है। अब देखते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैंने एग्जांपल्स देखी हैं, इनके बारे में बाद में देखते हैं भी कैसे हम देखेंगे। अब ग्रुप के लिए क्या था रजे, एक बार रिव्यू करवा देती हूँ। ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये थी। अब एलियन के लिए तो कॉमोडिटी बाद में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर प्रॉपर्टी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये चेक करने की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। हमने जब शॉर्ट टर्म में देखना है तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिटी से चेक करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, हम आइडेंटिटी से चेक करेंगे जो भी हमारे पास गिवन है। हम चेक करेंगे कि हाँ उसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम चेक करना शुरू करेंगे। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो हम बाकी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से पता चल गया यस नो के बारे में, बड़ा शॉर्टकट है ना ये। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो हम फिर इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा स्टेप सेकंड आएगा इनवर्स की तरफ बढ़ना, ठीक है। सेकंड स्टेप आएगा इनवर्स, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स के बाद इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, कुछ तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज फेल हो जाएंगी, वो ग्रुप की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। आफ्टर दैट हम आएंगे क्लोजर स्टेप था, यही तक ही हमारा, क्योंकि एसोसिएटिव है दैट इज अ मैथमेटिकली ग्रुप्ड है। जो हमारे पास ग्रुप है उसमें जितने भी सेट्स दिए होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट अ अंटीजर्स फॉर्म, और अंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है वो है पर प्लस, हाँ प्लस एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, वो एसोसिएटिव ही होती है मैथमेटिकली। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने की इतनी नेसेसिटी नहीं बनती, वो हम एग्जांपल देख लेते हैं अभी। हाँ इसमें प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब आते हैं हमारा फर्स्ट है आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए क्या है, आइडेंटिटी के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जो एडिशन का केस है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, जीरो, और जो मल्टीप्लाई का केस है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वन। हमारे पास यही दो ऑपरेशन चलते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमें ग्रुप चेक करना होता है मेन। किसी किसी में होता है, हमें कॉम्पोजिशन दी होती है कौन सी, जैसे ए और बी, ए बी माइनस ए प्लस बी बन रहा है, ऐसे कुछ कॉम्पोजिशन होती है, उस टेबल में हम चेक कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमारे एग्जाम में एग्जाम्पल्स आती हैं वो इस टाइप की एग्जाम्पल आती हैं, ठीक है। तो जब इस टाइप की एग्जाम्पल आ जाती हैं, आपके पास तो एक एग्जाम्पल आई, कोई भी आ सकती है इनमें, तो हमने इसमें चेक करना है कि ग्रुप है कि नहीं है। तो ये नहीं है कि आप पहले एडिशन मॉडल फाइव का ही टेबल बनाओ, सिक्स का टेबल बनाओ, फिर चेक करो भी हाँ वो ओल्ड प्रॉपर्टीज, नहीं। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। क्या करोगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी चेक करते हैं हम, पहले तो टिक कर लेते हैं किस किस में आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो एडिशन है, एडिशन मॉडल, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या चाहिए, जीरो, जीरो है तो ओके है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा हो गया। अब सेकेंड केस में आते हैं, वन बाय वन करवा दो, है ना, वन बाय। नेक्स्ट है इनवर्स, थर्ड इज क्लोजर, एसोसिएटिव तो इस केस में होगी होगी, अगर ये हो जाएगी, ठीक है, चलो लिख देती हूँ एसोसिएटिव। फोर्थ वन इज ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप के आइडिया में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो रजे, ये जीरो वन टू थ्री फोर एडिशन मॉडल ऑफ फाइव दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है। थोड़ा सा देखो एडिशन मॉडल फाइव क्या है, भी इनवर्स है, वन स्टार्ट करते हैं, वन को किसके साथ प्लस करेंगे भी हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए, यही होता है ना। वन को किसके साथ प्लस करें, रिमाइंडर जीरो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मॉडल फाइव लगाएंगे तो देखो वन के साथ अब फोर, वन प्लस का फोर फाइव, फाइव को फाइव के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या गया जीरो, फोर का वन, वन का फोर हो गया, टू का थ्री, थ्री का टू, एक दूसरे के ऑपोजिट इनवर्स बन रहे हैं, यस इनवर्स है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, एसोसिएटिव भी, ये तो ग्रुप है। फर्स्ट तो हमारा दो मिनट, एक मिनट में सॉल्व हो गया हमारा, अभी हाँ ये ग्रुप है, ठीक है ना, देख हो गया ना प्रॉपर सॉल्व।
अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है? एडिशन है, तो एडिशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, ग्रुप ही नहीं है, हो गया काम खत्म। ठीक है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो ग्रुप ही नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट पे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का केस देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यस आइडेंटिटी एलिमेंट है, वन है आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन केस में। लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई के केस में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जीरो है, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों क्यों नहीं कर रहा? देखो, क्या जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर वन ला सकते हो? जीरो को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके, फाइव के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर वन ला सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है हमारी? रिमाइंडर। जीरो को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। अगर मैं फाइव से डिवाइड करूं तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है, जीरो ही आएगा। थ्री से करूंगी तब भी जीरो आएगा, फोर से करूंगी तब भी जीरो आएगा। वन तो मेरा किसी केस में नहीं आएगा, इनवर्स ही नहीं है इसका, तो ये ग्रुप ही भी नहीं है। इनवर्स नहीं है तो ग्रुप ही नहीं है। चलो, क्या कितने ग्रुप मिले हैं अभी तक? हमें सिर्फ फर्स्ट ग्रुप मिला है, दोनों तो ग्रुप की कैटेगरी में बाहर। नेक्स्ट, अब आते हैं, अब यहाँ पे देखो, रे वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिक्स। चलो एक बार तो मैं करवा देती हूँ। वैसे आइडेंटिटी है वन, ठीक है, लेकिन ये सब छोड़ो, यहां पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है? सिक्स। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में हमने किया था भी पी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। पी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। अगर सिक्स प्राइम नंबर ही नहीं है तो इस केस में ये ग्रुप ही नहीं बनेगा, ठीक है, इस केस में ये ग्रुप ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ये बताती हूं मैं, क्यों नहीं बनेगा। देखो, क्योंकि रजे जब मैं मान लो टू और थ्री की मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास क्या आ गया? सिक्स। तो मैं सिक्स को सिक्स के साथ डिवाइड करूंगी, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। डैट मीन जब मैं टेबल बना रही हूं ना, मान लो मैं टेबल बना रही हूं, टेबल बना रही हूं, तो उसमें यहां पे टू है, यहां पे थ्री है, एडिशन मॉडुलो सिक्स है, यहां पे रिमाइंडर जीरो आ गया। मेरे टेबल में जीरो आ गया, यहां पे जीरो कहीं पे भी नहीं है, और जीरो के अकॉर्डिंग हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये केस फेल हो जाता है। समझ में आया? प्राइम नंबर ही नहीं है तो ये हमारा ग्रुप ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही निकल गया, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जीरो टू फोर एडिशन मॉडुलो सिक्स। अब एडिशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यस, ठीक है, इनवर्स देख लेते हैं। अब देखो, इनवर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें? जीरो। तो डिजिट को जब प्लस करेंगे, सिक्स के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अब देखो, रिमाइंडर जीरो, टू और फोर को प्लस करो कितना हो गया? सिक्स। सिक्स को डिवाइड किया सिक्स के साथ, क्या आ गया मेरे पास? जीरो। डैट मीन टू का इनवर्स फोर, फोर का इनवर्स टू, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हर एक टेबल में। नहीं तो टेबल बना के देख लो, टेबल बना के देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो टेबल बनाओ। एडिशन मोड लो सिक्स, जीरो टू फोर, छोटे छोटे से तो डिजिट है, जीरो टू फोर, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी ऐड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई ऐड करना है, जीरो प्लस जीरो जीरो ही आ गया, जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस फोर फोर, ठीक है, टू प्लस जीरो टू, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स डिवाइड बाय जीरो, फोर प्लस जीरो फोर, फोर प्लस टू सिक्स डिवाइड बाय सिक्स जीरो, फोर प्लस फोर एट डिवाइड बाय टू टू। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट ईच रो एंड ईच कॉलम कंटेन कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो का इनवर्स क्या है? जीरो, ठीक है, टू का इनवर्स क्या है? फोर, फोर का इनवर्स क्या है? टू, इनवर्स भी है, सब कुछ है, तो ये ग्रुप है, यस, ये हमारा ग्रुप है। टेबल बनाना चाहते हो टेबल बना के देख लो, नहीं टेबल बनाना तो ये हमारा ग्रुप आ गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप। आपके देखो नेचुरल नंबर इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। बट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? वन से। तो क्या, सॉरी कंटिन्यू चलाना है, यहाँ पे जीरो ही नहीं है,
जब जीरो ही नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो इट इज नॉट अ ग्रुप, ग्रुप भी नहीं है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। ठीक है दीदी। अब मल्टीप्लिकेशन केस में 1, 2, 3 आइडेंटिटी एलिमेंट 1 यस है, तो क्या 2 का इनवर्स है? 2 को अगर 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई के केस में 1/2 होना चाहिए, कटिंग करके तभी बनाएगा, तो क्या इसमें रैशनलाइज के फॉर्म में है? नहीं है। अब डिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेशन केस में भी ये नहीं है। अब एंटीजर्स, एंटीजर्स में क्या है? जीरो आता है, यस जीरो है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और जीरो है, तो इसमें जो होंगे एडिशन के केस में इनवर्स, 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। 3 का क्या होगा? -3। नेगेटिव पॉजिटिव पोल है, यस है, क्लोजर भी एंटीजर भी है, ग्रुप भी है ये। ठीक है, हो गया। अब मल्टीप्लाई के केस में रहे, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो है लेकिन इनवर्स नहीं है, क्योंकि अगर 2 है तो उसका इनवर्स 1/2 बनेगा, दैट इज नॉट इन एंटीजर्स, दैट इज नॉट अ ग्रुप। ये हो गया आपके पास शॉर्ट फॉर्म, देखा होगा आपने भाई।